हरे कृष्णा। आज हम विषय ले रहे हैं, हमारा जीवन झूठ पर आधारित है। क्या आपको लगता है ऐसा कि हमारा जीवन झूठ पर आधारित है? अगर हमसे बोला जाएगा तो हमको ये थोड़ा अटपटा लगेगा। हम कहेंगे नहीं नहीं, हमारा जीवन झूठ पर आधारित नहीं है। लेकिन वास्तविकता में अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो हमें पता चलता है कि वास्तव में हम झूठ पर ही जी रहे हैं। जैसे अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछें कैसे हैं आप, तो वो क्या उत्तर देता है? मैं पूर्ण रूप से ठीक हूँ, संतुष्ट हूँ। हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो हमारा जीवन वास्तव में झूठ पर आधारित है। हम कितना भी, अगर कोई भी व्यक्ति अपने विषय में हमेशा अपने आप को प्रसन्न दिखाने की कोशिश करता है, जबकि वास्तव में वो प्रसन्न नहीं है। ये संसार की रचना ऐसे की गई है कि हर व्यक्ति केवल झूठ में जीने के लिए मजबूर है। जैसे झूठ का मतलब है जो हमेशा से नहीं है और हमेशा नहीं रहेगा। तो ये शरीर वास्तव में सत्य नहीं है, क्योंकि शरीर न तो हमेशा से है और न हमेशा रहेगा। और संसार में जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, ये भी न तो हमेशा से हैं और न हमेशा रहेंगी। लेकिन हम जब से हमने इस संसार में हो संभाला है, तब से हम निरंतर केवल और केवल शरीर को केंद्रित करके जीवन जी रहे हैं। और जब शरीर ही वास्तव में सत्य नहीं है, कुछ समय के लिए हमको प्राप्त हुआ है, ये वास्तव में हमारे पास हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस शरीर को ही सब कुछ मान करके संसार में आने वाला संसार, शरीर के संपर्क में आने वाली चीज़ों के संपर्क में रह करके हम शरीर को सुख देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वास्तव में हम शरीर भावना भावित जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हमको कृष्ण भावना भावित, आत्मा भावना भावित, परमात्मा भावना भावित जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन चूँकि हमको आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए हम उन तक न जुड़ पा रहे हैं, न पहुँच पा रहे हैं, न समझ पा रहे हैं। तो सांसारिक जीवन, जो कि निश्चित रूप से पूर्ण रूप से झूठ पर आधारित है, वो हमको आनंद नहीं देगा। वो केवल भ्रम और भ्रम और भ्रम की स्थिति में हमको लेकर के जाएगा। तो हमारा आप सबसे अनुरोध है कि हम सब इस झूठ की धारणा से निकलें और सत्य को जानने की कोशिश करें कि वास्तव में सत्य क्या है। और सत्य को जानकर सत्य की राह पर आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा और हम अपने आप को भी जान पाएंगे और परम भगवान को भी जान पाएंगे। हरे कृष्णा।